मॉर्निंग वन एंड ऑल, माई नेम इज़ लोकेश एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग। तो देखते हैं 4 नवंबर के करंट अफेयर साथ में उन सबकी जीके। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो अपना पहला क्वेश्चन संबंधित है 281 एंड बियॉन्ड क्या है? यह एक आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा है वीवीएस लक्ष्मण। अब वीवीएस लक्ष्मण कौन है? यह एक क्रिकेटर है। क्या है? एक क्रिकेटर है जिन्होंने 281 रन बनाए थे ईडन गार्डन्स में, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है गीत रामायण से। अब गीत रामायण क्या है? तो गीत रामायण है एक राज्य है, राज्य सरकार है जिसने अपने तीन शहरों में रामायण का मराठी वर्जन यानी मराठी संस्करण, रामायण का मराठी संस्करण गीत रामायण का प्रदर्शन करेगी। तो कौन सी सरकार है जो रामायण का मराठी संस्करण गीत रामायण का प्रदर्शन करेगी? तो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार इसका प्रदर्शन करेगी। तो कौन कौन से शहरों में करेगी? तो बनारस में, आगरा में और मुजफ्फरपुर में इसका प्रदर्शन करेगी, ठीक है। तो बात करते हैं यूपी की। तो ये है यूपी, आप मैप में देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ के सीएम, सभी जानते हैं सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? राम नाईक। और बात करते हैं ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश बसा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ के पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ का सारस राज्य पक्षी है। पशु कौन सा है यहाँ का, राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा यहाँ का राज्य पशु है। वृक्ष कौन सा है? तो अशोक यहाँ का राज्य वृक्ष है। और पुष्प कौन सा है? पलाश यहाँ का या राज्य पुष्प है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है सिमोन बाइबल्स। बाइल्स कौन है? सिमोन बाइल्स कौन है? तो सिमोन बाइल्स कौन है? ये एक जिमनास्ट है। कौन है? एक जिमनास्ट है जिन्होंने एक साथ 13 विश्व चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी है। कितने? 13 विश्व चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक। कितने? 13 विश्व चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक जीतने वाले जिमनास्ट बनी है कौन? सिमोन बाइल्स। ये है सिमोन बाइल्स जिन्होंने 13 जीते हैं। कितने? 13 विश्व चैम्पियनशिप स्वर्ण पदक जीते हैं नवंबर 2018 में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है INS विराट से। अब INS विराट क्या है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विराट, जिसको अभी अस्थायी संग्रहालय में बदलने की मंजूरी दी है। तो किस सरकार ने दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने INS विराट को अस्थायी संग्रहालय में बदलने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। अस्थायी संग्रहालय तैरता हुआ संग्रहालय है ना। तो ये दुनिया का 8वां संग्रहालय बन गया है जो तैरता हुआ संग्रहालय। कौन सा? 8वें नंबर का संग्रहालय। 7 पहले थे, अभी 8वां बन गया है जो तैरता हुआ संग्रहालय बना है, ठीक है। कौन सा? INS विराट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है श्रम की कमी। अब श्रम की कमी क्या है, इसका पूरी डिटेल देखते हैं। श्रम की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में विदेशी श्रमिकों को स्वीकार करने के लिए किस देश ने, कैबिनेट ने एक बिल मंजूरी दी है? तो इसका पूरा मतलब ये है कि एक कोई देश है जिसने विदेशी श्रमिकों को बुला रहा है, मतलब दूसरे देशों से काम करने वाले वर्कर्स को बुला रहा है दूसरे देश, क्योंकि उसके देश में काम करने वाले कम पड़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई काम कर नहीं रहा है या कम पड़ रहे हैं वहाँ पे, तो दूसरे देश से काम करने आए। तो कौन सा देश है? वो जापान देश है, जो बाहर के देशों से श्रमिकों को बुला रहा है काम करने के लिए। और कितने साल के लिए? 5 साल के वीज़ा पर वो आएंगे, लेकिन उनका परिवार नहीं आ सकता, ठीक है। तो जापान देश ने विदेशी श्रमिकों को आने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं जापान की। तो ये है जापान। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है? शिंजो आबे। यहाँ की जो राजधानी क्या है? टोक्यो यहाँ की राजधानी है। बात करते हैं मुद्रा, तो मुद्रा है येन यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। ये पूरी डिटेल होगी जापान की, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है यूको बैंक। अब यूको बैंक के भी हाल ही में MD और CEO नियुक्त किए हैं। तो किनको नियुक्त किया है अभी? अतुल गोयल को यूको बैंक के MD और CEO नियुक्त किया है। किसको? अतुल गोयल को। बात करते हैं यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर? इसका कोलकाता में इसका मुख्यालय, ठीक है। इतनी डिटेल काफ़ी है, बैंक इतना ही पूछा जाता है, एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। भारत का स्वदेशी पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो उसका नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति उसका नाम है, ठीक है। और किसने बनाया ये? तो बनाया है IIT मद्रास ने इसको बनाया है। किसने? IIT मद्रास ने इसको बनाया है शक्ति को, जो कि पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है UTS ओन मोबाइल सुविधा। UTS की फुल फॉर्म क्या है? तो UTS की फुल फॉर्म है अनरिजर्व्ड मोबाइल ट्रैकिंग सुविधा। अनरिजर्व्ड मोबाइल ट्रैकिंग टिकटिंग सुविधा इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो किसने शुरू की है सुविधा? तो शुरू की है रेलवे मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, ठीक है। अब रेलवे मंत्रालय की बात करते हैं, तो रेलवे
रेल के मंत्री कौन है, अपने रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। पहले रेल मंत्री कौन थे, तो पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, पहले रेल मंत्री थे। बात करते हैं रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं अश्विनी लोहानी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन संबंधित है वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य पर पहला WHO वैश्विक सम्मेलन, ठीक है। तो इसका सम्मेलन कहाँ का आयोजन कहाँ पर हुआ, इसका आयोजन हुआ है जनेवा में, कहाँ पर, जनेवा में, ठीक है। और किसने आयोजित कराया, WHO ने आयोजित कराया इसको। तो वायु प्रदूषण स्वास्थ्य पर पहला WHO वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, जनेवा में, ठीक है। अब बात करते हैं WHO की, WHO का महानिर्देशक कौन है, तो महानिर्देशक है टेड्रोस एडहोनोम बेरियस। टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस जो है वो WHO के महानिर्देशक हैं। बात करते हैं मुख्यालय कहाँ पर, तो मुख्यालय जनेवा में ही है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जनेवा में और इसके महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस, पूरे पूरा नाम है इनका डॉक्टर टेड्रोस एडहोनोम गेब्रियस, इनका पूरा नाम है, ठीक है, जो महानिर्देशक है WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अगला देखते हैं, अगला है AVI AMAT 2018, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, AVI AMAT का 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और ये AVM किससे संबंधित है, किसने इसको ऑर्गेनाइज कराया है, तो इसको ऑर्गेनाइज कराया है हमारी वायुसेना ने, इसको भारतीय वायुसेना ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है, इसने आयोजित कराया है भारतीय वायुसेना ने। तो बात करते हैं वायुसेना के चीफ कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चीफ है BS धनोवा, हमारी वायुसेना के चीफ है, कौन है, BS धनोवा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन बताते हैं CCTNS पुरस्कार। अभी CCTNS पुरस्कार किसने जीता है, तो किसने जीता है, पंजाब पुलिस ने जीता है, किसने, पंजाब पुलिस ने। अब यहाँ पे CCTNS क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। क्या है इसकी फुल फॉर्म, द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। अब किसने जीता है, पंजाब पुलिस ने जीता है। तो आइए बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब आप मे देख सकते हो, यहाँ पंजाब के जो CM है कौन है, अमरिंदर सिंह यहाँ के CM है। बात करते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह, यहाँ के गवर्नर है, कौन है, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर है। बात करते हैं राजधानी क्या है, तो राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ पे कितने ज़िले हैं पंजाब में, तो 22 जिले कुल पंजाब में ज़िले हैं। बात करते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, कितना, 50,362 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो ये बात हो गई अपने पंजाब की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन संबंधित है सौभाग्य रथ। अब सौभाग्य रथ क्या है, इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है जम्मू एंड कश्मीर ने, इसका उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर ने, इसका उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं सौभाग्य रथ क्या है, पहले सौभाग्य रथ क्या है, एक तरह से पता करने के लिए कि बिजली कनेक्शन का पता करना है इसमें, जो इसमें जम्मू कश्मीर में कोई जिले या कोई जगह है वहाँ पे पता करना है कि बिजली कनेक्शन है या नहीं है। तो मतलब टोटल यही बात है कि इसमें बिजली कनेक्शन का पता करना है कि कहाँ पर कितने बिजली कनेक्शन बन गए, कहाँ पे कितने नहीं बने, तो इस सौभाग्य रथ का यही काम है, ठीक है। अभी किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आइए बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये जम्मू एंड कश्मीर आप भारत के मैप में देख सकते हैं, यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ पे गवर्नर ही राज करता है, तो गवर्नर कौन है, यहाँ पे सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। राजधानी है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी वो है जम्मू। तो श्रीनगर तो है ग्रीष्मकालीन और जम्मू है शीतकालीन राजधानी, दोनों राजधानी है इसकी। बात करते हैं इसका कितने ज़िले हैं यहाँ पे, तो 22 जिले कुल जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, कितना है, 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्यों संबंधित है इस्माइली वर्चुअल टूर गाइड। अब इस्माइली वर्चुअल टूर गाइड किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है केरल ने, केरल राज्य ने इसको लॉन्च किया है। और ये किस लिए लॉन्च किया है इसको, ये किससे संबंधित है, तो संबंधित है टूर से, आपको लग ही रहा होगा टूर से किससे संबंधित है, यानी पर्यटन से, तो पर्यटन के लिए इसको लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया, केरल ने। तो आइए बात करते हैं केरल की, तो ये केरल आप मेमे देख सकते हो, यहाँ के जो CM कौन है, पिनराई विजयन, यहाँ के CM है कौन है, पिनाराय विजयन यहाँ के CM है, मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है P Sadashivam यहाँ के गवर्नर है, कौन है, P Sadashivam यहाँ के गवर्नर है। राजधानी की बात करें, तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। बात करते हैं यहाँ के कितने जिले हैं केरल में, तो केरल में 14 जिले टोटल है, 14th डिस्ट्रिक्ट है केरल में। बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, कितना,
38,863 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हो गए अपने चार नंबर के करंट अफेयर साथ में उनके जीके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, जो वीडियोज़ को देखें, और बाकी दोस्तों का शेयर करें ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़ सके। ठीक है, और साथ में जो मैं इंग्लिश के वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ तो आप उनको भी जाके देखें, जिसमें मैंने नाउन एडजेक्टिव पढ़ा दिए हैं, आप उनको जाके देखें। आपको मैं श्योर कर देता हूँ कि आपको उसके रिलेटेड, नाउन और एडजेक्टिव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना अच्छे से मैंने बताया है। मात्र 2 सेकंड की या मैक्सिमम 5 सेकंड की ट्रिक है जिसमें नाउन एडजेक्टिव आप पता कर सकते हो, और भी इतने आराम से ट्रिक है। ठीक है, तो उन वीडियोज़ को भी जाके देखें और मुझे रिव्यू बताएं कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।